सब अंदर चलते हैं। कलंत वाले बाबा के मज़ार पे चादरें चढ़ाई जा रही हैं। छोटी सी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है, वज़ू खाना है। वो गलती सुने दो के चुराए थे। कैसे पापा हुजूर गाड़ी में जा रहे हैं। अस्सलाम गाइस, मैं हूं फहीम खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं कलंदर वाले बाबा के मज़ार पे। आज उनका 45वां उर्स मुबारक है। तो वैसे आप लोग अंदर चले गए बादशाह, हम कलंदर वाले बाबा के मज़ार पे आ गए और आज देख रहे होंगे बहुत रश है। वैसे भी निकलेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, अंदर जाएंगे। चलो फकर आ जाओ फटाफट। मम्मी यार आ गई हैं, जा रहे हैं। तो जी गाइस, बच्चे पानी पी रहे हैं और पानी पी रही है, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो जी गाइस, सब अंदर चलते हैं। कलंत वाले बाबा के मज़ार पे चादरें चढ़ाई जा रही हैं। अंदर जाकर पता हूँ, चीज़ दिखाता हूँ। तो जी गाइस, यहाँ पे चादरें चढ़ाई जा रही है, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो जी गाइस, कलंदर वाले बाबा के मज़ार में एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है, वज़ू खाना है। और इस टाइम अभी कलंदर वाले बाबा के मज़ार पे आए हुए हैं। आज 45वां उर्स है उनका, और यहाँ पर लोग आए। उम्मीद है कि आपको लोग पसंद आएगा। तो पसंद है तो लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो मिलते हैं अभी चलते। तो जी का ये मज़ार के बाहर के मनाजिर जो आपको दिखा रहा हूँ। रवि भाई आ गए, क्या चीज़? यहाँ पे लंगर हो रहा है बाबा कलंदर वाले बाबा के मज़ार पे। आप देखिए 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 आ गए। तो हम आप लोग लंगर के लिए बैठ गए, अब इंतज़ार कर रहे हैं, लंगर शुरू होने वाला है। लंगर आ गया और लंगर शुरू करते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा। जा रहे हैं मराकबाल, जा रहे हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा। कभी आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते रहते हैं। तो जी गाइस, हम मराकबाल पहुँच गए और इस टाइम लंगर चल रहा है, हमारी पानी की ड्यूटी है। उन तमाम लंगर आए हुए लोगों को, मेहमानों को हम पानी पिला रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। लंगर चल रहा है, जी गाइस जैसे यहाँ पे लंगर के इंतजाम था, लंगर हम लोग ने खा लिया। हम लोग जाएंगे पंडाल की तरफ जहाँ पे मिलाद हो रहा है। तो जी गाइस, यहाँ पे लंगर का इंतजाम था वह खत्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं पंडाल में जा रहे हैं, और वहाँ पे भी हम अपना बस पानी का स्टॉल लगाएंगे। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। सैफ अली और मास्टर असलम, कैसे हैरियत से? कैंटीन जा रहे हैं, जो चीज खुली होगी वो खा लेंगे। वो खाना क्या है सैफ अली? आज तो बता, जो कहो मैं खिलाऊंगा। बस सैफ अली ने आप इजाजत दे दी है कि आपको जिस तरह की वीडियो बनाने डालें मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हिंदू चोरी की नहीं डालिएगा। तो मैंने हिंदू चोरी की गलती से गाइस, वो गलती सुने दो के चुराए थे। भाई आप कोई गलत फहमी हो गई थी, दो गिने चुराए थे, लेकिन इसके लिए माजरा थे। तो गाइस, आपको ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। बहुत नाइस बन रहे हैं माशाल्लाह से। और आप कुछ बोलेंगे? आपने कहा था सपोर्ट करूंगा। हाँ, मैं सपोर्ट करूंगा। जी जी, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे।
तो जी गाइस, सैफ अली से मैंने ऑरेंज किया कि छोटा सा मजाक किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप देख रहे हैं पंडाल पहुँच रहे हैं, ये मेरा अकबाल है भाई, आ रहे हैं भाई, ये रहे हम लोग, ये रहे। मैं जा रहा हूँ बाहर, जा रहा हूँ भाई, ये बड़े भाई हैं, खालिद भैया, खालिद भाई हैं। तो चीका इस पंडाल में अब्बास भी तशरीफ ला रहे हैं। तसव्वुफ की रहबर है यही पहचान है इनकी, तसव्वुफ की रहबर है यही पहचान है इनकी, जिधर से भी गुजरते हैं उजाला साथ रहता है। तो ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो क्लियर ना है क्योंकि बहुत दूर खड़े होकर जूम से अब उधर की वीडियो बना रहा हूँ, इतनी माजरत। और खुशगवार जिंदगी अता फरमाए अल्लाह का अलंदर बाबा और गया मजलिस में। तो जी का अब्बा हुजूर की स्पीच अब खत्म हो गई है और अब्बा हुजूर अब तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ। सब पापा हुजूर गाड़ी में जा रहे हैं। जी गाइस, इस ब्लॉग के लिए एंड करते हैं, जैसे आज का ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अपना रखिएगा, धन्यवाद।